given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians should be mad because it's safe. So, hey guys, welcome back to another video. I'm the Cardboard Smith and you're watching my YouTube channel, The Cardboard Smith. तो भाई लोग आज यार मतलब मैं पिछले आधे कुछ घंटा हो गया YouTube देख रहा था यार, और मैंने वैसे मतलब YouTube पे मेरे को वेब शूटर्स बनाने का काफ़ी शौक है। मैं पिछले एक साल से मतलब वेब शूटर्स बना रहा हूँ यार, हर बारी मैं फेल हुआ, मेरा कोई वेब शूटर इतना अच्छा नहीं निकला। तो मैं देख रहा था यार और मैंने देखा मतलब यूट्यूब पे इतने भर भर के वीडियो दे रखे हैं यार वेब शूटर से रिलेटेड, कि भाई मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाता है अलग अलग डिज़ाइन से लेके अलग अलग वर्किंग मैकेनिज्म तक यार। तो मैं यार मतलब अब देखो, अपन बनाने वाले हैं आज वेब शूटर्स, मैं सीधा कह रहा हूँ। तो मैं यार सबसे पहले तो अपना डिज़ाइन सर्च करने वाला हूँ कि आज हम कौन से डिज़ाइन का वो बनाएंगे वेब शूटर। सबसे पहले तो यार वैसे ही मैं, आप लोगों को पता है मैं डिज़ाइन सर्च करता हूँ, तो डिज़ाइन सर्च करने के बाद यार वही है मतलब करेंगे और फिर आगे काम शुरू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के यार आगे काम शुरू करते हैं। तो गाइज यार ये देख लो, मतलब ये पूरा वो डिज़ाइन है यार, और मैं तुमको एक सेकेंड यार ये जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। तो यार ये देखो अपन यार मतलब मैं सबसे पहले यहाँ नीचे का बेस रेडी करूँगा, उसके बाद अपन ऊपर का रेडी करेंगे यार, उसके बाद ये बेल्ट भी लगाएंगे, ये नोज़ल देख लो यार इधर ये नोज़ल है, ये भी लगाएंगे यार, और फिर ऐसा स्टाइलिश सा मतलब अपन वो भी रखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो भाई लोग यार डिज़ाइन रेडी है यार, तुम देख लो यार मतलब ये है वो डिज़ाइन, और ये यार डिज़ाइन पूरा को पूरा यार उससे रिजेम्बलेंस खा रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब मैंने जितना यार उसको एग्जामिन किया है उसमें लगभग यार जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स नहीं है यार उन सबको छोड़ के डिटेल ये हैं। और यार एक और करना चाहूँगा यार टिप के, यार जब तुम इसको प्रिंट करो तो पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेना, और फिर इस साइड से यार सबसे पहले तो मेन टेम्पलेट को कट करके फिर सारे डिज़ाइन टेम्पलेट काट लेना यार, इनको बाद में चिपकाना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा यार कैसे करना है, पहले मैं सबको इंडिविजुअली काट लूँगा, मुझे जो जो जगह पे जहाँ जहाँ चीज़ चिपकानी है, तो उसके बाद चिपका के दिखाऊंगा यार तुमको, मैकेनिज्म समझाऊंगा कैसे इसको वर्किंग बनाओगे, कैसे इसको बहुत ज़्यादा दिखने में स्टाइलिश बनाओगे यार। तो किस टाइम का वेट करें भाई, बिना टाइम वेस्ट किए आगे काम शुरू करते हैं। सो गाइज यार अब जिस तरह आप देख सकते हो मैंने इसको यार काट लिया इधर से, पूरा का पूरा काट लिया, और यार यहाँ पे मेरे पास नीचे भी पीस हैं यार, तो तुमने बड़ी ध्यान से अब फेविकोल यूज़ करना। मैं यार इसमें फेविकोल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को हॉट ग्लू में यार मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमको, तो हम वाइट ग्लू यूज़ करेंगे यार इसमें। तो बस यार तुम देख सकते हो मैं कैसे वो ग्लू लगा रहा हूँ, तुमने यार बिल्कुल कम ग्लू लगानी है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मतलब स्ट्रेन पड़ सकता है इस चीज़ का। तो देखो यार तो भाई लोग यार अब अपन लोग यार बैरल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यार बड़ा सिंपल सा है, अपने को बस क्या करना है स्केल लेना है और यार एक सीधी लाइन खींचनी है पेपर पे जितनी भी अपने को बैरल की मोटा चाहिए। उसके बाद यार कटर को लेके यार सेफ्टी कटर लेना है यार, तुम्हें बस उसको काट देना है वहाँ वहाँ से जहाँ जहाँ पर तुम्हें जितनी बैरल की लेंथ चाहिए। और इसके बाद बस यार काटने के बाद अपन ने उसको जैसे यहाँ से मैंने काट रहा हूँ तुम देख रहे हो, और यहाँ से काटने के बाद यार हमने उसको बड़ी ही सिंपल
अब यार तुम देख रहे हो मैं इसको बड़ी ही आराम से यार मतलब रोल कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है यार। देख लो जैसे मैं रोल कर रहा हूँ, और ऐसे ही यार हम बुलेट बनाएंगे, बुलेट का साइज थोड़ा छोटा रखना, तो बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई लोग यहाँ पर यार अपने को अब क्या करना है, अब तुम जैसे देख रहे हो मैं क्या करूँगा, तो यार यहाँ पे अपने को बनाना है बैरल। तो बैरल बन चुका है यार, हमने बस क्या करना है अंदर एक स्प्रिंग फिट करना है। तो सबसे पहले यार तुम एक छोटा टुकड़ा ले लो कार्डबोर्ड का, और उसके बाद यार स्प्रिंग को उसके ऊपर मतलब हॉट ग्लू करना है। तुम ध्यान से यार, हाथ पे नहीं लगनी चाहिए हॉट ग्लू, और फिर यार उस स्प्रिंग को उसके ऊपर रख दो, काफ़ी आसानी से हो जाएगा यार ये चीज़। उसके बाद यार तुम अब जैसे देख रहे हो अपन ने क्या करना है, जो ये बैरल है इसको यार उसके ऊपर रख देना है, यानी जो अपना स्प्रिंग है बस उसके ऊपर रख के यार आसपास तुमने हॉट ग्लू लगानी है काफ़ी सारी। यार हॉट ग्लू कट जाए उसके बाद बस तुमने बड़े आराम से यार कैंची से इसको मतलब साइड्स वालों को यार जो बचा हुआ है सामान उसको काट देना है। अब यार यहाँ पे अपन यार टेस्ट करके देख सकते हैं कि अपनी बुलेट इसके अंदर जाकर अच्छे से पॉप आउट हो रही है कि नहीं। तो यार देखो तुम जैसे देख सकते हो रही है यहाँ से बुलेट पॉप आउट, तो काफ़ी बढ़िया है यार ये चीज़ भी। अब यार अपने को क्या करना है, अपने को इसको फिट करना है। तो यार अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं बुलेट को उस एक्स्ट्रा डायमंड पीस के ऊपर रखूँगा यार, और फिर मार्क कर लूँगा। उसके बाद मैं अपनी यार सेफ्टी की सीजर्स को लेते हुए यार वहाँ से काटूँगा जहाँ से मैंने मार्क किया है, और यार सेम मैं एक और डायमंड पेस शीप पे करूँगा यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ी विड्थ मिले ताकि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी रख सके हमारे बैरल के साथ यार। यार तुम ये कर लो, उसके बाद तुमने बड़े आराम से यार अपनी हॉट ग्लू से इस चीज़ को यहाँ पर चिपका देना है डबल लेयर्स की फॉर्म में।
तो यार अब जिस तरह तुम देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे बैरल को भी फिट कर दिया और काफ़ी मस्त लग रही है यार, मतलब डिज़ाइन मस्त लग रहा है एकदम उसी वेब शूटर जैसा। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार अब बस मैं आगे तुम को बताता हूँ कि तुमने क्या करना है। तो अब यहाँ पर यार तुम देख सकते हो अपन यार बनाने वाले हैं इस चीज़ का यार, मतलब एक तरह से लॉकिंग मैकेनिज्म जो मैंने बात की थी। और यार ये है मतलब वो जो अपना होता है उंगलियों से प्रेस करने वाला बटन। तो अपने को क्या करना है यार, अपने को पहले तो एक क्यूब मतलब एक स्क्वायर टाइप में पीस को लेके उसके ऊपर टेप लगानी है यार, और उसके बाद टेप के साथ उसको उधर चिपकाते हुए यार अपन ने इसको एक तरह से लॉकिंग मैकेनिज्म के रूप में, यार मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कैसे। ये देखो जैसे यार ये चीज़ ऐसे ऐसे कर रही है, ये हमारे हाथ पे यहाँ पे फिट होने वाली है। तो ये करने के बाद यार तुमको अभी क्या करना है, ये करने के बाद तुमको इसको एक जेड शेप में यार फोल्ड करना पड़ेगा, जो जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यार जेड शेप से ये हमारी उंगलियों में बिल्कुल सेट बैठेगा और वही हम चाहते हैं। तो ये हो जाने के बाद यार अब अपने को क्या करना है, तो यार अब अपने को इसमें लगाने हैं ब्लॉक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार इसमें ब्लॉक्स लगाना शुरू करते हैं। तो यार अब तुम जिस तरह देख सकते हो और मैं इसमें ब्लॉक लगा रहा हूँ, और काफ़ी मुश्किल होने वाला है यार ब्लॉक लगाना, क्योंकि यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है वेब शूटर का। तो थोड़ा एफर्ट लगेगा यार, पर तुम्हें ये करना होगा, इसको काट के अंदर से प्रेस करना है और फिर लगाना है यार। सो गाइज यार वेब शूटर रेडी है यार, और आप देख सकते हो कितना मस्त वेब शूटर बना है यार, मतलब काफ़ी मेहनत लगी। मैंने यार कुछ जगह को कलर्स नहीं किया, क्योंकि यार वो ऐसे ओरिजिनल ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
बाकी आप यार यहाँ पे और यहाँ पे कलर कर सकते हो यार, काफ़ी मस्त है। मैंने एक बैंड भी फिट किया है साथ में, वो मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद यार ये स्टॉपर भी आपने देख लिया कैसे बनाते हैं, तो यार काफ़ी मस्त है प्रोजेक्ट, मेरे को काफ़ी पसंद आया, मेरा वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक था। और मतलब यार अब काफ़ी मस्त मैं इसको वहाँ से जाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में बस यार इतना ही था। अगर तुम्हें आगे वीडियो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरे आगे के वीडियोस देखने हैं तो अपने दोस्तों के शेयर कर देना। जो बनाना चाहते हो कि मैं बनाऊँ उसको नीचे कमेंट कर देना यार। तो थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।